देखो हमारा यही प्लान है कि हम टाइटल जीतना चाहते हैं और हमारी फुल कोशिश होगी क्योंकि हम वर्कआउट कर रहे हैं उसके पीछे और इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम उस मुकाम पे पहुंचे। चैंपियनशिप तो के लिए तो लक भी जरूरी होता है, लेकिन कोशिश रहेगी टॉप फोर में पहुंचेंगे हम, अच्छा करेंगे सीजन के स्टार्टिंग से ही। मनिंदर पाजी, इनसे बहुत सीखने के लिए मिल रहा है क्योंकि अलग अलग टेक्निक कैसा खेलना है क्या है, थोड़ा अलग अलग जो कमी होती है हमें भी जो कमी है वो भी वो लोग बताते हैं और उनमें भी जो कमी है हम भी डिस्कस करते हैं। तो एज अ रीडर हम लोग मतलब एक बॉन्डिंग की तरह रहते हैं कि कमी क्या है उसमें थोड़ा फोकस करते हैं हम लोग। अपना पास 22 प्लेयर्स है, फॉरेन प्लेयर्स 2 प्लेयर्स है, वो सबके पास इक्वल इम्पोर्टेंट दे रहा, कैसा किसका कभी सक्सेस हो जाएगा उसका मालूम नहीं पड़ेगा, अपना भी किसको मालूम नहीं पड़ेगा। ये तो एकदम सच बात है, कौन कब सक्सेसफुल हो जाए किसको पता है, लेकिन प्रो कबड्डी में सक्सेसफुल कैसे होना है ये बंगाल वॉरियर्स को काफी अच्छे से पता है। सीजन 7 की विजेता बंगाल वॉरियर्स फिर से तैयार है कबड्डी मैट पर धूम मचाने के लिए। तो आइए देखते हैं कैसे चल रही है तैयारियां इनके कैंप में इन आवर स्पेशल सेगमेंट एसके कबड्डी हैंगआउट। सीजन 7 में अपना पहला पीकेएल खिताब हासिल करने के बाद बंगाल वॉरियर्स को अपने 8वें सीजन से काफी उम्मीदें थी, लेकिन वो सारी उम्मीदें धाराशायी हो गई और पॉइंट्स टेबल पर उन्होंने फिनिश किया 9वें पैदान पर। इस बार एक ऑक्शन के बाद एक नई टीम बनी है और इस टीम में आया है यूथ के साथ एक्सपीरियंस का मिश्रण। देखो यंगस्टर जो टीम में है उनको सीनियर प्लेयर की एडवाइज मिलती है कि सीनियर प्लेयर बताता है जैसे वर्कआउट के टाइम पे अगर वो कोई भी एक्सरसाइज गलत कर रहे हैं तो हम उसको बताते हैं ये ऐसे करनी चाहिए, इससे ये बेनिफिट मिलेगा। देखो गेम के अकॉर्डिंग जब हमारी प्रैक्टिस होती है अगर वो कोई गलत टैकल करे या गलत रेडिंग मूवमेंट करे तो हम उसको बताते हैं और वो सीखते हैं और सीखने की कोशिश भी करते हैं और सीखते भी। हमारे जो यंगस्टर्स टीम में उनको काफ़ी मोटिवेट करते हैं हम, क्योंकि वो हमें आइडल भी मानते हैं, उनके लिए जब वो छोटे छोटे बच्चे थे उनके लिए हम आइडल ही थे और हमारे कोच साहब भी हैं, हम मैं हूँ, मनिंदर है, जितने भी सुरेंद्र नाडा गिरीश हैं, हम सभी उनको अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, क्योंकि एक नए बच्चे को क्या है उसको थोड़ा एक थपथपी चाहिए होती है, उसको थोड़ा मोटिवेट करना चाहिए होता है, स्पीड होती है, स्किल तो होती है तभी उनका सिलेक्शन हुआ है, ऐसे थोड़ा ना हुआ है, टैलेंट तो है उनमें, बस ये उनको थोड़ा पुश करना होता है। हम उनका काफ़ी फ़ायदा लेंगे इस सीजन में, टीम की जीत में उनका भी योगदान रहेगा। बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ उनके साथ खेला हो और बहुत ही अच्छा लगता है उनको बड़े प्लेयर्स के साथ खेलने का, क्योंकि हौसला मिलता है और एक्सपीरियंस मिलता है और जो मैच सिचुएशन कैसा हैंडल करना है, मैं कौन से सिचुएशन में कैसे पॉइंट मारता है, सामने वाला डिफेंस है वो भी कैसा सिचुएशन हैंडल करता है और उस सिचुएशन में कैसा पॉइंट मारता है वो बड़े बड़े प्लेयर्स से भी सीखने मिलता है। काफ़ी एक्सपीरियंस पर नहीं लिया अपन, वो 30% एक्सपीरियंस पर लिया, बाकी लोग वो सीनियर प्लेयर, बाकी लोग जूनियर प्लेयर के लिए लिया, वो सुपर सीनियर प्लेयर वो बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर, वो सीजन में बहुत अच्छा खेला, वो मनिंदर सिंह, दीपकुड़ा, श्रीकांत यादव, सुरेंद्र नाडा, गिरीश रघुनाथ, विनोद कुमार, ये पूरा बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर पहले सीजन खेल के उनके लिए एक्सपीरियंस, वो जूनियर प्लेयर का सब जूनियर के लिए जो वो देखा तो उनका भी वो हम भी इतना तक खेलना पड़ेगा ऐसा वो भी सोचेगा, इसलिए वो पूरा कलेक्टिव करके अपनी फैमिली के तरफ लेके जाने के लिए अपना कहता था। पिछले सीजन की निराशा के बाद लगता है बंगाल वॉरियर्स कोई चांस लेना नहीं चाहती, तभी उन्होंने ऑफेंस हो या डिफेंस दोनों डिपार्टमेंट्स में काफी मंजे हुए खिलाड़ियों को शामिल किया। डिफेंस की बात करें तो पीकेएल वेटरन सुरेंद्र नड्डा ही संभालेंगे इस डिपार्टमेंट की कमान और उनका साथ दे सकते हैं गिरीश अर्नाक, शुभम शिंदे और ईरान के सोलेमान पहलवानी। सीजन बहुत लंबा है तो हम मतलब कि स्ट्रेंथ और फिटनेस की ट्रेनिंग ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि मैट पे इंजरी बहुत होती है तो इससे बचने के लिए अगर हम स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज ज़्यादा करेंगे तो हमारे जॉइंट्स बॉडी मतलब फिट रहेगी और हम इंजरी से बचेंगे। बस यही है कि भाई इंजरी नहीं होनी चाहिए, फिटनेस ज़्यादा करनी है। वो ईरान में सुलेमान वो आ गया, वो एशियन गेम्स में लेग कवर खेला, बहुत अच्छा खेला, अभी लास्ट सीजन अच्छा नहीं खेल पाया, अभी ये सीजन अपना को वो अभी आने वाला था, एक वीक में आने वाला था, आने के बाद उनका स्पेशल वो कोचिंग करेंगे लेफ्ट को खेलने के लिए, डिफेंस खेलने के लिए, वो भी अभी ये सीजन में थोड़ा फॉर्म में आएगा। देखो अब हमारी टीम में शुभम शिंदे है तो मेरा और शुभम शिंदे का मतलब कॉम्बिनेशन अच्छा होगा इस सीजन में, मोहित से भी बेस्ट देखने को मिलेगा।
डिफेंस से आते हैं ऑफेंस पर। पिछले सीजन में ऐसा लग रहा था कि मानो मेन रेडर मनिंदर सिंह अकेले पड़ गए हो। जहां वे नहीं चलते थे, बंगाल वॉरियर्स की बाजी बिगड़ जाती थी। लेकिन इस बार ऐसा ना हो, इसलिए बंगाल ने शामिल किया है श्रीकांत जाधव और दीपक हुडा जैसे अनुभवी प्लेयर्स को। तो इस वजह से मनिंदर इस बार काफी खुलकर खेलते हुए नजर आएंगे। जैसा बड़े प्लेयर होता है, बड़े प्लेयर में ये खासियत होती है कि मैच सिचुएशन का, मैच का टेम्परेचर और मैच कौन से हिसाब से डिफेंस कैसा खेल रहा है, क्योंकि कौन सा साइड वीक है, कौन सा प्लस है, कौन सा माइनस है, ये भी उनसे सीखने मिलता है। और कौन एग्रेसिव होता है, कौन एग्रेसिव नहीं है, और किसको कन्विंस करना है, किनको थोड़ा होल देना है, ये चीज बड़े प्लेयर से खेलने के लिए मिलता है, सीखने के लिए मिलता है। कभी जैसा एग्जाम्पल होता है बोनस डालना है, तो बोनस कब, कौन से सिचुएशन में बोनस परफेक्ट डालना है और कौन से सिचुएशन में नहीं डालना है, और कैसा डमी डालना है, उसको कैसा एक उल्लू बनाना है, ये भी उनसे सीखने के लिए मिलता है। ये बड़े प्लेयर की खासियत होती है। टीम पे जब मनिंदर और मैं जब दोनों रेड करेंगे तो काफ़ी इम्पैक्ट आएगा दूसरी टीमों के लिए भी, क्योंकि दोनों ही अच्छे रेडर हैं, और जब दो दो टीम में अच्छे रेडर एक साथ खेलते तो टीम के जीतने की संभावना तो बढ़ती ही है। तो हमारे लिए तो काफ़ी बेटर है, बल्कि हमारे तीसरे रेडर भी काफ़ी अच्छे हैं। तीसरे क्या, हमारे पास बहुत अच्छे रेडर है, श्रीकांत जाधव है, जिंकर कापड़े है, आकाश पिकल मुंडे है, रोहित है, मनोज गौड़ा है, काफ़ी रेडर हमारे सही खुल के खेलेंगे। सब लोग को उनका वो बजाने के लिए नहीं, उनका कितना ताकत है उनका, कभी चाहिए वो खुल के खेलो। कभी सपोज और या राइडर में वो 10 रेड जा रहा, 10 रेड जाने के लिए अपना को 5 रेड 6 रेड अपना को जरूर पड़ता पॉइंट लेना, वो टाइम लेना जरूर, वो अनसक्सेस में हो जाएगा उनका, वो डिफेंस भी अच्छा किया तो वो अनसक्सेस हो जाएगा। इसलिए अपन को वो 4 रेड पॉइंट नहीं चाहिए, मैं खाली अपना को टाइम वेस्ट करना, उनके जाके थोड़ा आराम से खेल के स्ट्रेटेजी बना के आ जाओ। जब से 2000 प्रो कबड्डी आई 2014 से, मनीपाजी फर्स्ट टाइम देखा था, मनिंदर सिंह जयपुर से खेले थे, तब से मनिंदर सिंह तो लगा बंदा ये है कबड्डी वाला, तोड़ के खेल रहा है। फिर मनीपाजी बंगाल और इसके इधर से सीजन 5-6 में शायद कुछ तो भी है, तब से तो मनीपाजी है, मनीपाजी तो जोर से खेल रहे हैं, बस वैसे ही खेलना है तोड़ तोड़ के। जहाँ रेडर्स और डिफेंडर्स तो काबिले तारीफ है इस बंगाल वॉरियर्स की टीम में, ऑलराउंडर्स भी पीछे नहीं। यही ऑलराउंडर्स का स्टॉक बन सकता है इस टीम का एक्स फैक्टर आने वाले सीजन में। स्पेशल सीखना है तो गिरिज था एक है, और एक अपने नाड़ा भाई साहब है, इनसे भी लेफ्ट कॉर्नर का थोड़ा टेक्निक लेना है, मेरे को भी लेफ्ट कॉर्नर खेलने की इच्छा है, और दीपक हुड्डा से भी रीडिंग का थोड़ा कुछ सीखना है, इस बार फर्स्ट टाइम वो साथ में आ गए। मैं इस सीजन डिफेंस में भी काम ज़्यादा काम करूँगा और रेडर में भी ज़्यादा काम करूँगा, तो दो बोथ साइड खेलने का तो कोशिश कर रहा हूँ इस साल। ऑफकोर्स रेडिंग में ज़्यादा एग्रेसिव रहूँगा, लेकिन इस सीजन मैं अपने डिफेंस पे भी काफ़ी फोकस कर रहा हूँ, जहाँ भी जरूरत पड़ेगी मैं ऑलराउंडर की तरह खेलूँगा। को डुआडा रेड मारना बहुत पसंद है, बस उसके साथ साथ पिछले साल मैं डिफेंस के लिए थोड़ा पीछे था, बट इस बार डिफेंस भी करूंगा, दोनों डिफेंस भी करना है, और रेड मिले तो और टीम के लिए प्लस ही करना है, बस यही सोच के खेलना है, टीम विनिंग हो जाए। तो बंगाल वॉरियर्स के हर डिपार्टमेंट के औजार तो तैयार लग रहे हैं, लेकिन क्या इनको ये PKL का युद्ध जिता पाएंगे? सारा टीम चैंपियन बनने के लिए कोशिश कर रहा, उनके लिए वो सपोज सोचो वो अपना एक्सपर्ट है, ये वो टीम अच्छा, ये जूनियर अच्छा, ये राइडिंग अच्छा, ये डिफेंस अच्छा, ऐसा वो एनालिस करते रहता, फिर भी अपना जी टीम जीतेंगे, अपने सभी प्लेयर का ऐसा मोटिवेट करेंगे, अपना है ना, मेरा स्टाइल है ना, उनका कितना स्टाइल है, कितना राइडिंग का राइडिंग स्टाइल, उतना गेम परफॉर्मेंस कैसे, उनके वो से अभी 30% परफॉर्मेंस ऊपर देना चाहिए, मेरा टारगेट वही था 30% वो पहले से ऊपर खेला तो अपना को चैंपियन बनने के लिए इतना मुश्किल नहीं। सभी 12 टीमें जीतने के लिए खेलती हैं, लेकिन कई बार क्या रिजल्ट भी हमारे फेवर में आना चाहिए, लक भी रहना चाहिए, लेकिन हम अपनी पूरी जी जान लगा देंगे। तो सुना ना आपने, बंगाल वॉरियर्स जी जान लगाने के लिए तैयार हैं PKL के खिताब को वापस जीतने के लिए, लेकिन क्या उनकी ख्वाहिश पूरी होगी? चलिए ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल समय हो गया है हमारे जाने का, आप देखते रहिए स्पोर्ट्स कीड़ा।